जांजगीर चांपा में करोड़ों रुपए का कीटनाशक दवा घोटाला करने वाले दो फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी सिवनी चांपा निवासी कृष्ण कुमार राठौर और नवगा निवासी दिनेश्वर कश्यप को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। इस मामले के तीन आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको बता दें 29 जून 2020 को कीटनाशक दवा कंपनी इंसेटिक्स साइड इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी अखिलेश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कंपनी से जुड़े सेल्समैन और विक्रेताओं ने 19 करोड़ रुपए की दवा का घोटाला किया था। इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी की ओर से प्रार्थी अखिलेश सिंह के द्वारा थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि कुल 18 लोगों के द्वारा कंपनी के साथ धोखाधड़ी करते हुए 19 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी उनके द्वारा की गई है। इस पर 420 की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और पूर्व में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी और आज दिनांक को दो अन्य आरोपी कृष्ण कुमार राठौर और दिनेश्वर कश्यप इनकी गिरफ्तारी की गई है। कुछ और आरोपी अभी फरार हैं जिनकी पतासाजी अभी की जा रही है।